मैं एससी मिश्रा फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। विषय हिंदी व्याकरण पाठ्यक्रम और वर्ग नवम पाठ अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। वाक्य सार्थक शब्दों का व्याकरणिक व्यवस्था में बंधा हुआ समूह जो अर्थ को पूर्णता के साथ स्पष्ट करे वाक्य कहलाता है। जैसे राम आम खाता है, हम हिंदी पढ़ा रहे हैं इत्यादि। वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य एवं विधेय। वाक्य में जिसके संदर्भ में जो कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं और विधेय उद्देश्य वाक्य में उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, इस वाक्य में राम उद्देश्य है और आम खाता है विधेय है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। अर्थ का तात्पर्य है कि वक्ता द्वारा जो वाक्य कहा गया है वह क्या अर्थ संप्रेषित कर रहा है। वह वक्ता के प्रश्न को व्यक्त कर रहा है, उसके विस्मय को प्रकट कर रहा है या आज्ञा भाव को व्यक्त कर रहा है, अर्थात वह वाक्य कहलाता है। अर्थ के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित आठ भेद हैं: विधानवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मय सूचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। नंबर एक, विधानवाचक। जिन वाक्यों के द्वारा किसी क्रिया के करने या होने की जानकारी मिले उन्हें विधानवाचक या निश्चयवाचक वाक्य कहते हैं। किसी वस्तु अथवा काम का स्वतः होना जिन्हें हम अस्तित्ववाची कहते हैं वे भी इसी श्रेणी में आते हैं। जैसे गुरुजी हमारे यहाँ पधारे थे, मेरा स्वास्थ्य ठीक चल रहा है, वर्षा हो रही है इत्यादि। नंबर दो, प्रश्नवाचक। जिन वाक्यों से प्रश्न का भाव व्यक्त हो रहा है हो उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम कहाँ रहते हो, वह कब आया आदि। नंबर तीन, विस्मय सूचक। जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, भय, घृणा, लज्जा, आश्चर्य इत्यादि के भाव व्यक्त हो उसे विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह क्या सुंदर दृश्य है, हाय मैं लूट गया। नंबर चार, आज्ञावाचक। जिन वाक्यों में आदेश, निर्देश, आज्ञा इत्यादि का भाव व्यक्त हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चों चुप रहो, यहां से अभी चले जाओ आदि। नंबर पांच, निषेधवाचक। जिन वाक्यों से किसी काम के न होने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बिजली नहीं आ रही है, भीतर मत झांको आदि। नंबर छह, इच्छावाचक। वक्ता की इच्छा, आशीर्वाद, प्रार्थना, कामना, उपदेश, अनुमति इत्यादि के भाव को व्यक्त करने वाला वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे
ईश्वर करे तुम खूब पढ़ो, सदा खुश रहो, धर्म की विजय हो इत्यादि। नंबर 7 संदेह वाचक, जिन वाक्यों के द्वारा क्रिया संपन्न होने में कुछ संदेह या संभावना का भाव प्रकट हो उन्हें संदेह वाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हो सकता है आज धूप न निकले, उसका पास होना कठिन है आदि। नंबर 8 संकेत वाचक, जिन वाक्यों में किसी कार्य की सिद्धि का संकेत दूसरे काम से मिले उन्हें संकेत वाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि तुम चलो तो मैं भी आ जाऊंगा, तुमने बुलाया होता हम आते। धन्यवाद।